डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई प्रखंड स्थित बालेखान में बुधवार को सप्तमी कलश यात्रा पूजा प्रारंभ की गई। डंडई प्रखंड के बालेखान गांव के दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के नेतृत्व में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में शामिल होकर गाजे बाजे के साथ पूजा पंडाल से थड़बड़िया व झरीवा नदी घाट से अरुण पांडे के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरकर पूजा पंडालों में स्थापित किया गया। पूजा पंडालों में बज रहे भक्ति गानों से क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो गया। पूजा कमेटियों के सदस्यों द्वारा पूजा पंडाल के प्रांगण में रामायण का सीरियल पर्दा पर दिखाया जा रहा है। अरुण पांडे ने बताया कि कलश स्थापना के साथ सप्तमी दिन मां कालरात्रि का पूजा किया गया। नवरात्र के 9 दिनों अलग अलग देवियों की पूजा की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सभी देवियों की पूजा की जाएगी। उस मौके पर बीडीसी प्रतिनिधि ने कहा कि नवरात्र में माँ दुर्गा की भक्ति में अपार शक्ति निहित है। नवरात्र में जो भक्त सच्चे मन से दुर्गा पाठ कर माँ की आराधना करते हैं, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसके बाद सभी श्रद्धालु कलश लेकर पुनः पूजा पंडाल में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना कर कलश स्थापित कराया गया तथा सभी पंडालों में माता जी की पट खुला। कलश यात्रा में कमेटी के अध्यक्ष राम नरेश सिंह, सचिव सुबेदार राम मोहन सिंह, पंकज सिंह, लालमुनी सिंह, वीके भारती, सुजीत विश्वकर्मा, रिंकू कुमारी, प्रियंका कुमारी, सरस्वती देवी, सुनीता देवी, रानी कुमारी, छोटी कुमारी, संगीता कुमारी, पार्वती कुमारी, अनीता देवी, बेबी कुमारी, रीमा, सावित्री कुमारी समेत बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु एवं ग्रामीण मौजूद थे।